नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद बागपत पहुंचे एडीजी प्रशांत कुमार के सामने एक युवती ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। बता दें कि युवती शोरूम कर्मचारी हत्याकांड का खुलासा होने से संतुष्ट नहीं थी। बागपत एसपी ऑफिस पर एडीजी मेरठ और आईजी के सामने एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। केरोसिन ऑयल डालकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। गनीमत रही कि महिला को मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया, वरना बड़ी घटना हो गई थी। तेल डालने वाली महिला के बेटे की हत्या 3 सप्ताह पहले हुई थी, जिसका शव हैवेल्स शोरूम पर पड़ा मिला था, लेकिन आज एडीजी ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। परिजनों ने पुलिस के खुलासे पर सवाल उठाते हुए आत्महत्या करने का कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल पूरा मामला बड़ोद कोतवाली क्षेत्र की एक नामी कंपनी के शोरूम का है, जहां 3 सप्ताह पहले शोरूम में कार्य करने वाली विक्रम नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा आज पुलिस कार्यालय पर हत्या का खुलासा किया जा रहा था, लेकिन खुलासे से असंतुष्ट मृतक की माँ एवं बहन ने एडीजी प्रशांत कुमार के सामने केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। यदि समय के रहते अपर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिसकर्मी केरोसिन की कैनी न लेते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश के जिले सिंगरौली की जयवन थाना पुलिस ने घरों में सेंधमारी कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के जिले सिंगरौली के जयवन थाना क्षेत्र में चोर ने घर में सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सोने चांदी सहित नकदी भी चुराई गई थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने जयवन थाने में की थी, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और 27,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली, जिसे जब्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक शराब तस्कर को भारी मात्रा में रेक्टिफाइड व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया, जहां मीरापुर इंस्पेक्टर पंकज त्यागी व कस्बा इंचार्ज सत्येंद्र नागर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव टायमपुरा में घर में नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिस पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए शराब तस्कर मनोज पुत्र संतनाम निवासी टायमपुरा थाना मीरापुर को 10 पेटी व 30 लीटर रेक्टिफाइड के साथ गिरफ्तार कर लिया। वही दूसरा शराब तस्कर विपिन पुत्र राधेश्याम निवासी लाडोवाला कुआ मौके से फरार हो गया, जहां मौके से पुलिस ने 10 पेटी शराब, लगभग 30 लीटर रेक्टिफाइड, 2 लीटर यूरिया व 103 नकली होलोग्राम सहित अन्य सामग्री बरामद की। शराब तस्करों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मीरापुर में पिछले काफी दिनों से काफी जो तस्करी शराब की गई थी, जब से दो घटनाएं हुई थी वहाँ फीकर बनने की, तब से शिकंजा कसा गया है और आज फिर कुछ लोग जो कि मेरठ क्षेत्र से शराब ला रहे थे वो लोग पकड़े गए हैं। और बेसिकली ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं सब शराब मेरठ के खादर में बन रही है और इधर वो सप्लाई करते हैं वो लोग पकड़े गए हैं। जो मेरठ का जो रैकेट है उसमें पीछे भी हमने कुछ लोग जेल भेजे थे और अब पुनः इनसे पूछताछ की गई है। कुछ लोग और प्रकाश में आए, जो लोग बना रहे हैं उन्हें उन पर दबाव दिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। मामला गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गढ़ी अब्दुल्ला खान आतंकी संगठन का कैंप लगाने का मोबाइल पर संदेश मिलने के बाद पुलिस व खुफिया विभाग सतर्क हो गया है। मामला प्रकाश में आने के बाद शनिवार को पुलिस LIU व खुफिया विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। फिलहाल पुलिस इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। दरअसल 1 मई को गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गाँव गढ़ी अब्दुल्ला खान निवासी साकिर पुत्र साबिर के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि वह पाकिस्तानी है, उन्हें क्षेत्र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी आतंकी संगठन का कैंप लगाना है, इस काम में उन्हें उक्त व्यक्ति की मदद की जरूरत है। यह मैसेज पढ़ते ही परिवार के पांव तले से जमीन खिसक गई। पहले तो कई दिन तक परिजन इस उधेड़बुन में लगे रहे कि कहीं किसी रिश्तेदार या दोस्त ने मजाक में यह मैसेज भेजा है, लेकिन सभी से बात करने के बाद भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद शुक्रवार को परिजनों ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच
गया। शनिवार को पुलिस के अलावा LIU व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस फिलहाल इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस गहनता से की जा रही जांच संदेह भी खड़ा कर रही है। उधर मैसेज आने के बाद से परिवार में डर बना हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सर्विलांस टीम अपने काम में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, मेरे पास मैसेज आया था, उस अननोन नंबर से मैसेज आया था, +374 था उसका। उस पर सबसे पहला मैसेज मेरे पास था हाई मैसेज मेरे पास भी है उसमें, उसके फ़ोन में, मेरे फ्रेंड के फ़ोन में, मेरा फ़ोन तो वहाँ पे जमा हुआ है ना, स्क्रीन शॉट तो मेरे पास है, पास है। मैसेज में उनका जो पहला मैसेज था हाई था, मैंने वो लिखा हाई कौन, तो उन्होंने लिख दिया क्या नाम, मैंने लिख दिया हाई कौन, उनका मैसेज आया पाकिस्तानी, तो मैंने इसको लिख दिया तो मैं क्या करूँ। उनका अगला मैसेज आया क्या नाम कि हम टेरिस्ट हैं, उस टाइम मेरे पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, वो जल्दबाजी में टूरिस्ट पढ़ा गया था, तो मैं उस टाइम में इसको ध्यान ही दे पाया, तो मैंने कल जब मेरे छोटे भाई ने इसको ध्यान से पढ़ा तो वो टेरिस्ट था। थानागढ़ी कुत्ता चंद्रगढ़ गढ़ी अब्दुल्ला पास एक व्यक्ति के पास, उसके पास उनका डिमांड करता है, उसके पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया आए, उसके बाद उस मैसेज का जवाब उसने दिया कौन, उसके जवाब दिया पाकिस्तानी, उसके बाद जवाब आता है कि मेरे यहाँ अपने यहाँ कैंप की कोई व्यवस्था करोगे, इस पर जो है ये मैसेज 1 मई को आया, और उसके बाद संबंधित के द्वारा जिसके ऊपर मैसेज आया था व्हाट्सएप का, उसके द्वारा कल हमारे गढ़ी कुत्ता थाने के अंतर्गत चौकी है वहाँ पर गढ़ी कच्ची गढ़ी वहाँ पर उसने जाके बताया, क्योंकि इसके द्वारा जो भी मैसेज आया था व्हाट्सएप का उस मैसेज को डिलीट भी कर दिया गया था पूर्व में ही। हमारे संबंधित काल जो है साइबर टीम, सर्विलांस की टीम, और उस डेटा को रिकवर करने के लिए निकली हुई है, डेटा रिकवर करते ही जो सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अच्छा सर, जिस तरीके से जिस बंदे के पास मोबाइल था ये, उसका मोबाइल या फिर उन दोनों को कुछ पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया? नहीं, ऐसा है कि चूंकि उसने जो है आके कल ये बात बताई हमारे चौकी पर, इस तरह से मैसेज आया था, वो भी 1 मई को आया था, जिसका जब मोबाइल उसने डिलीट भी कर दिया, उसके बाद कोई उसके पास मैसेज आया नहीं ना कोई इस तरह की बात हुई उसकी। तो अब ये पता लगाने की का प्रयास किया जा रहा है हमारे साइबर टीम के द्वारा और सर्विलांस टीम के द्वारा, डेटा को रिकवर करके कि कहाँ से किस व्हाट्सएप नंबर से उसके पर मैसेज आया। अच्छा सर, जिस तरीके से आतंकी कैंप के लोगों का या आतंकी के लोगों का कैंप लगाने का यहाँ पे मामला सक्रिय हुआ दोबारा से, जबकि दो रेलवे स्टेशन को उड़ाने के मामले में पकड़े गए, क्या मानते हैं कि एक आतंकियों का ठिकाना या फिर एक तरीके से निशाना सामने? ऐसा है कि इस संबंध में जैसा कि पूर्व में भी इस तरह की बातें आई हैं, अब चूँकि इसको भी जो है खंगाला जा रहा है, इसकी जो है कि गहराई से जांच की जा रही है हमारी टीम के द्वारा, और उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे क्या ये तार एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर इस पर जो है इस मामले में कोई अरेस्टिंग हो पाई? अभी इस संबंध में कोई नहीं हो, क्योंकि डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और कि डेटा कहाँ से आया था, किस नंबर से आया था, उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के जिले सिंगरौली में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या की घटना का खुलासा करते हुए SP दीपक शुक्ला ने बताया कि कर्री निवासी के उदर टोला में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर TI नागेंद्र सिंह ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं आरोपी गोकुल पाठक के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व दोनों ने शराब पी रखी थी, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और गोकुल ने लाठी डंडे से पीट पीट कर युवक की हत्या कर डाली। हमें सूचना मिली थी कि थाना बरगवा के गांव गिधेर कर्री के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। जब हमारी पुलिस की पार्टी वहां पे पहुंची, हमने उसके आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो पता लगा कि ये व्यक्ति जो है विनोद सिंह गोड़, ये चौकी क्षेत्र बोरबी का रहने वाला था और ये एक अन्य व्यक्ति के साथ वहाँ पे आया हुआ था, देवसर गए थे ये लोग। जब हमने आसपास के और लोगों से पूछताछ करी तो ये पता लगा कि जो व्यक्ति इनके साथ में आया था उसी से इसकी कहा सुनी हुई है, उसी के साथ झगड़ा हुआ है और वो मार करके भागा है। हमने जब और आसपास के लोगों से पूछताछ की, पता लगाया तो ये पता लगा कि जो व्यक्ति है ये गोकुल पाठक नाम का था। ये लोग साथ में सुबह निकले थे, इन्होंने शराब का सेवन किया, इनका कोर्ट में कुछ काम था वो इन्होंने किया और उसके बाद फिर से बैठ के ये शराब का सेवन कर रहे थे यहीं गिधेर कर्री गाँव में। किसी बात को लेकर इनमें कहा सुनी हुई है, आपस में
पारिवारिक कुछ छीटा कसी गई है एक दूसरे के द्वारा, जिस पर से विवाद हुआ, दोनों ही नशे में थे। और उस पर से जो ये अपना आरोपी है गोकुल पाठक, इसने एक बांस के डंडे से उसके सर पे वार किया, 3-4 वार किए हैं, और जिस पर से उसकी मृत्यु हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये कल ही हमारी गिरफ्त में आ गया था और इसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शामली जनपद में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना उस वक्त की है जब मृतक किसान गन्ना मिल से गन्ना तुलवा कर घर लौट रहा था। किसान की हत्या की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में ASP राजेश कुमार श्रीवास्तव व CO सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। आनंद राज गन्ना मिल से लौट रहा था बुग्गी से, तो यहाँ पे लोगों द्वारा जो है शाम के करीब आधे घंटे पहले ये हत्या कर दी गई। इस संबंध में जो है जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा जो है पार्टी को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय शामिल ले जाया गया है और उनके परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। परिजन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पता लग पा रहा है कि पहले भी मुकदमा चल रहा है? इसमें जैसा लोगों ने बताया यहाँ के गाँव के लोगों ने कि इनका पूर्व से ही रंजित चली आ रही है और ये रंजित जो बागपत में थाना स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं। पुलिस द्वारा इसकी जो है छानबीन की जाएगी। बागपत में पुरानी रंजिश चली आ रही है, इसी रंजिश के क्रम में। सर मृतक क्या मुकदमे में गवाह था या पैरवी कर रहा था? अभी संबंध में जो है चूंकि ये मुकदमा किस थाने में बागपत के कहाँ पे है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कोई एक मुकदमा 2 साल पहले का था, एक मुकदमा 4 साल पहले का था, उसकी जो है जानकारी वहाँ से बागपत से सर बताया जा रहा है। गवाह भी है सर ये, अब वहाँ मालूम चलेगा कि चूंकि 2 साल पहले के मुकदमे क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या इसमें गवाह के रूप में था या अन्य कोई बात है, इससे जो जानकारी की जाएगी तभी स्पष्ट स्थिति स्पष्ट। सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी आग में 20 मासूम बच्चों की मौत हो जाने के बाद आज मेरठ प्रशासन की भी नींद टूट गई। मेरठ के कोचिंग सेंटरों पर मॉल्स में और कई बड़े संस्थानों पर आज DM और SSP के निर्देश पर बड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कोचिंग सेंटरों पर खास तौर से फोकस रखते हुए वहां का अग्निशमन के इंतजामों का प्रशासन ने हाल जाना। दरअसल आज मेरठ के DM और SSP के निर्देश पर फायर विभाग ने जिले के अंदर एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें टीमें बनाकर कोचिंग सेंटर से लेकर मॉल और अन्य बड़े संस्थानों पर चेकिंग की गई। कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों से वहां की व्यवस्थाओं और अग्निशमन के इंतजामों का हाल जाना। साथ ही CFO ने कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ रहे बच्चों को आपातकालीन में आग लगने पर आग पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके टिप्स दिए। वहीं DM का कहना है कि जहां भी खामी मिली उन संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने अपने लेवल पे अभी जो है MDA मजिस्ट्रेट और फायर और पुलिस की सभी की टीम गठित करके सबको चेक कराया जा रहा है और जहाँ भी मानक के अनुरूप नहीं होगा वहाँ पे तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जितने भी मूवी हॉल्स हैं या जितने बड़े हमारे रेस्टोरेंट्स हैं या जहाँ भी पब्लिक का गैदरिंग ज़्यादा है और ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं उनको तब पे चेकिंग कराने का निर्देश दिया है और स्पेशली कोचिंग सेंटर के लिए, तो जैसा होगा आपको बताया जाएगा। सर जो अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये इंश्योर कराया जाएगा। मामला जनपद बरेली के कस्बा शेरगढ़ के थाना शेरगढ़ का है, जहां जाबिर हसन दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करके शादी में दावत में चला गया था। तभी वह वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी, जिसकी सूचना उसने डायल 100 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज लिखवा कर जाँच शुरू कर दी है। वही प्रार्थी का कहना है कि मोटरसाइकिल जिस दुकान के सामने खड़ी गई थी, दुकान भी बंद मिली और मोटरसाइकिल भी वहां से गायब थी। पीड़ित का आरोप है कि दुकान वाले ने ही उसकी गाड़ी को चुराया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है और अभी तक गाड़ी की तलाश नहीं की जा सकी है। ये चौथे महीने की 2 तारीख उठी है, 2 अप्रैल, मतलब बेटा हुए उठी थी, शादी में गए हुए थे और दुकान के सामने बाइक खड़ी कर दी थी। छोटे वाले भैया ने, दुकानदार ने पूछा मतलब ये कहाँ से आए हो, तो बताया गया कस्बा शेरगढ़ से आए। तो उसके बाद में 15 मिनट के बाद जब वो घर में से निकल के आया तो दुकान भी बंद थी और गाड़ी भी नहीं थी। सर उस टाइम तो इतना दिमाग में नहीं आया उसके, जब 2 दिन के बाद उसे फ़ोन करके जब बुलाया जा रहा था और उसे पता था गाड़ी वाले आए हुए हैं, तो वो वहाँ नहीं करते रहे, 10 मिनट में आ रहे हो, 15 मिनट में आ रहे हो, वो आ ही नहीं पाया।
जब उसके बाद प्रधान ने गया एक दिन का टाइम दो हमें वहाँ के प्रधान ने, तो मुझे एक दिन का टाइम दिया, तो उस प्रधान ने कहा ऐसा करो रपट कर दो उसके नाम दिया, वो नहीं आ रहा है। तो आप FIR कराई, अब कोई पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, एक बार पहुंची पुलिस, उसके बाद कह रही है दुकानदार ने ऐसा नहीं करा है। और वो 6 साल पुरानी दुकान है, जब मैंने वहाँ जाकर पता करा तो दुकान 1 साल पुरानी है वहाँ, और मिथिपुर का है वो रहने वाला, पुलिस का ये कहना उसने नहीं कराया ऐसा। सहसपुर देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में इंग्लिश की बोलचाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका पढ़ाओ की प्रकाष्ठा को श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर देहरादून में किया जा रहा है। बालिकाओं ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री के सपनों का भारत बनाने की कोशिश की गई। श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी ने अपने प्रयासों से विद्यालय में अंग्रेजी बोलचाल के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 6 ग्रुप बनाकर प्रतिस्पर्धा कराई गई, जिसमें 3 ग्रुप प्रथम और 2 ग्रुप द्वितीय तथा 1 ग्रुप तृतीय स्थान पर रहा। विजेता सभी 12 छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 6 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया तथा सामाजिक कार्यकर्ता नई दिशा जनहित ग्रामीण विकास समिति के संस्थापक अमर सिंह कश्यप तथा पत्रकार सुरेंद्र नाथ भट्ट, मंजीत सिंह तथा अनुनाद पब्लिक स्कूल चांदपुर की प्रधानाचार्य सुनीता रावत, रिटायर्ड टीचर महावीर सिंह तथा मोहम्मद यासीन, सतपाल सिंह तथा अन्य टीचरों को पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया गया। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री से एक तरफा प्यार करने वाले शख्स ने अभिनेता और अभिनेत्रियों को घंटों तक होटल में पिस्तल ताने बंधक बनाए रखा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सोनभद्र SP सलमान ताज पाटिल, जिन्हें देख बौखलाए पागल प्रेमी ने सोनभद्र SP सलमान ताज पाटिल के ऊपर गोली चला दी। गोली महज कुछ दूरी होने के कारण वह बाल बाल बच गए। वहीं कुछ देर में पुलिस टीम ने युवक को धर दबोचा। कोतवाली थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर युवक को बंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान पंकज यादव के रूप में हुई है, जो भोजपुरी अभिनेत्री से एक तरफा प्यार करता था। वहीं होटल में घंटों तक अभिनेता और अभिनेत्रियों को पिस्टल के दम पर बंधक बनाए रखा, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सर कितने लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं? एक लड़का है, एक गोली लगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में किराने की दुकान की आड़ में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, जिस पर जियावन TI अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किराने की दुकान में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए बताई जा रही है, जिसे जब्त कर आरोपी संजय के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।